गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूँ कावड़ था मिजोरम में, और अभी हूँ एक भाई के साथ जो कि आसान से है और स्कूल बनाने का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का। उनके रूम पे हूँ भाई, एक इंजीनियर भाई मिल गए से बात करके, उन्होंने सेटल किया था। और अभी बन रही है चाय हमारी भाई, दूध को पहला गला दिया फिर चाय डाल दिया, अभी बढ़िया बन जाएगा एकदम तगड़ी चाय। देखना ये देखिए बन गई ना, ये बढ़िया दूध वाली चाय बन गई, देख लो। ये है भैया, भैया आपका नाम क्या है? नीलमणि देव। हाँ, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे रहने को दिया, और यहाँ सो रहे थे भाई, बढ़िया था भाई, मच्छरदानी वगैरह सब अच्छी नींद आई थी मेरे को, धन्यवाद भैया भाई एक बार फिर से। तो कल का दिन यहाँ रेस्ट किया, बढ़िया कपड़े वपड़े धो दिए, अभी निकल रहा हूँ कावड़ता से आइजोल के लिए। भाई गांव मस्त है यार, है ना। और मैं इस फुटबॉल के ग्राउंड के बारे में बता रहा था आपको, है ना, कितना मस्त। ये देख लो भाई, ये है वो ग्राउंड, कितना मस्त है ना, सामने चर्च है, ऊपर व्यू तगड़ा है भाई। चलो भाई भागते हैं फिर, सुबह सुबह करना जा रहा, बढ़िया लग रहा है भाई। बादल नीचे है, हम ऊपर चल रहे हैं, अभी नीचे उतर से जाना है अपने को। जैसे जैसे अपन नीचे उतरते जाएंगे थोड़ी ठंड बढ़ती जाएगी, और ऐसा भी उल्टा भी होता है, जब रात को आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी। यही है भाई, और अभी भी ताजी ताजी लैंडस्लाइड हुई है, देख लो सामने। यहाँ ऐसा ही है भाई, कभी भी कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हिला डुला ये सारा सारा मलबा नीचे। ऐसे छोटे छोटे झरने मिलते रहेंगे भाई, बस चलते रहो देखते रहो। और बस मैं तो यही सुनता हूँ ताकि दिमाग शांत रहे एकदम, बढ़िया वैसे शांति है बट सुनना चाहिए, ये बढ़िया रहता है दिमाग को। चलते चलते आए नॉर्थ डीएम गांव में आ गए, चाय ले ली और केले ले लिए जो कि अभी डाल देंगे बैग के अंदर, और खाते खाते चलते रहेंगे बस। बढ़िया भाई, ठंडा मौसम है, राजस्थान से सब कहीं बैठ रहे क्योंकि राजस्थान में अभी 50 के अराउंड चल रहा है, 44 तो सुबह 10 बजे के अराउंड ही हो जाता है, मैं देखता रहता हूँ तो पता रहता है मेरे को। भाई यहाँ का टेम्परेचर 32 गया है मैंने देखा, बाकी नहीं जाता, 20 भी जाता कहीं कहीं, क्योंकि टाउन एरिया में थोड़ा 2-3 डिग्री का प्लस में रहता है, जंगल में चलोगे आप तो 20 भी पहुंच जाता है कहीं कहीं। भाई चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। भाई लोग रोड खराब आ गई यार, देख रहे हो अभी थोड़ा खराब आने लग गया, नज़ारा बढ़िया इसलिए भूल जाता हूँ, पानी बह रहा है नीचे, रात को बारिश हुई थी, बढ़िया एकदम मस्त नज़ारा, बढ़िया है कुल मिला के बात है ये, आप कुछ भी कहो बाकी। हाँ अभी मेरे को लग रहा है रोड थोड़ी ख़राब रहेगी पूरी, ऐसा ही लग रहा है पूरी की पूरी रोड खराब रहेगी थोड़ी, मतलब थोड़े दूर तक ऐसे कीचड़ में निकलना पड़ रहा है भाई, क्या कर सकते हैं, साइड में रास्ता ही नहीं, निकलना भी चाहिए कभी कभी, कहीं गिर वगैरह गए तो पूरे कीचड़ में हो जाएंगे, नहा लेंगे बस, इसीलिए तो नाइट पैंट पहन के आया हूँ। देख रहे हो बाकी मस्त है नजर, कीचड़ देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल है भाई, बच के रहना पड़ेगा, ये फिसलता भी है तो मैं गिर भी सकता हूँ शायद, तो थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा भाई। ओ कार टच हो गई भाई, हिचकिच रही है गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से भाई, और अपनी गाड़ी एकदम बढ़िया बिना किसी हिचकिचाहट के निकल जाती है भाई, अपन अलग डीजल पेट्रोल भरवाते हैं भाई मिक्स में, बढ़िया क्वालिटी का, इसलिए अपनी गाड़ी कहीं फेर नहीं होती। क्या ढलाने वहाँ आ रही है गाड़ियाँ, छोटी छोटी दिख रही है, आगे अपने को वहाँ जाना है नीचे, देख रहे हो भाई, यही है भाई ट्रैवलिंग का असली मजा है ना, थोड़ा पसीना होता है थोड़ी थकान होती है, बट जब ये सब दिखता है तो सब कुछ भाग जाता है भाई, इतना दूर आके भी गाड़ी में बैठ जाऊँ तो सही नहीं रहेगा। देख रहा तगड़ा झरना है, बढ़िया है ना, यही तो बात है भाई, कुछ तो घूमने की, एक उधर है एक इधर है, तो देखो भाई ट्रक कितना भर भर के निकल रहा है यार। चलो मुँह वगैरह धोते हैं, जाएंगे आगे पास पानी ख़त्म हो जाए तो इन झरनों से भर लीजिए, बढ़िया ऊपर जा रहे, ऊपर कोई घाव नहीं होना चाहिए तो मैंने तो भर लिया, इससे फिर निकलते हैं भाई। मैगी बना लेते हैं, खा लेते हैं भाई, बढ़िया थोड़ा भूख भी लगा है, बन जाए तो खा के फिर निकलते हैं यार, पानी भी है सब कुछ है तो बर्तन वगैरह भी धो लेंगे, इसलिए यही बढ़िया मौका है बनाने का, बनाते हैं फिर खा के निकलते हैं। हम मैगी कहाँ खा रहे हैं बताए, ये मैं हूँ, ये प्रकृति है भाई, अरे हमारा बैग वगैरह सब पड़े, देख रहे हो कहाँ खा रहे मैगी, तो मैगी जी कहाँ हो जी। चलो भाई लोग मैगी वगैरह खा लिया, सब बैग पैक पैक कर दिया रेडी, कोई कचरा नहीं छोड़ा, चलते हैं वापस अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, एक मिनट झरनों को बाय बाय बोलते हैं और कीचड़ से निकलते हैं भाई बाहर। और श्रवण जी है कॉल पे, हेलो श्रवण जी। हेलो हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया, आपका कैसे चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है, बस अभी देखो ये इसमें फिसल के मेरी टिकने वाली है, देख रहे हो हम वहाँ से आए, वो घर दिख रहा है, कोई रास्ता बता रहा था कुछ ऐसा है भाई, देखिए कितने मुश्किल से चल रहा है ना, केले केले है, बढ़िया नजारा है, और ये तुम्हारा भाई चल रहा है 10-12 किलोमीटर कंटिन्यू चलने के बाद बैठे हैं, बढ़िया बना हुआ है मार्केट की तरह, यहाँ बैठे हैं और फिर चलेंगे भाई आगे। ये सुनते सुनते केला खाते खाते चल रहे है भाई, बहुत तगड़ा जंगल
अभी थोड़े समतल एरिया में आ गए, बड़े देखते हैं क्या होता है। आवाज फील करो भाई लोग, हाय हाय नेचर है ना। मैं स्पीकर की आवाज़ सिर्फ 10 पे सुन रहा हूँ, फिर भी एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। देख रहे हो भाई कितना खतरा होता है, इसलिए ध्यान से चलना पड़ता है, पता नहीं कब कहाँ से गिर जाए और अपने को आवाज़ भी नहीं आएगी। इसलिए मैं गीत वगैरह बंद रखता हूँ भाई, कम सुनता हूँ, जब साफ या सीधा रोड हो तभी सुनता हूँ। भाई चने का सूप मिल गया है और रोटी मिल गई जो कि मैदे की है, यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। और अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि अभी सोने का जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।